ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4 किलो चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने नकदी सहित 8,53,000 का माल बरामद किया है। ठाणे अपराध शाखा 1 के पुलिस हवलदार रविंद्र काटकर को सूत्रों से जानकारी मिली थी। नशे का कारोबार करने वाले दो युवक एरोली की तरफ से कलवा नाके पर मादक पदार्थ लेकर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। घटक 1 के पुलिस अधिकारियों ने एसटी वर्कशॉप के पास साईं बाबा मंदिर के नजदीक दोनों युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखने के बाद शक के आधार पर जांच पड़ताल की तो दोनों के पास से 4 किलो चरस, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल ऐसे सब मिलाकर 8,53,000 के सामान बरामद किए गए हैं। दोनों नवी मुंबई के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम समीर आलम शेख 22 वर्षीय है और दूसरे आरोपी का नाम वेंकट श्रीमंत काले 22 वर्षीय है। NDPS के जो टीम के हमारे कैप्टन है हथौड़े साहब और उनके पूरी टीम, उसके अंदर पवार साहब है, उन्होंने एक अच्छा गिरोह पकड़ा है। उसके पास LSD पेपर अपने को जो नशे के मार्केट में मिलता है और काफी यूथ में ये फेमस है आज के तारीख में, क्योंकि ये पेपर जल्दी पता नहीं चलता कि ये सही में क्या है, ये नशा है या पेपर है, क्योंकि आप अगर वो देखोगे तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ तो आर्ट के लिए ये पेपर बनाया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। तो अपने लोगों ने ये पूरा नेट के ऊपर थोड़ा सर्च किया था, उसकी माहिती लिया था, उसके बाद अपने को एक कोडिंग के जरिए आपको पता चला कि ये बेचने के लिए थाना में आने वाले थे। तो हथौड़े साहब और उनकी जो पूरी टीम है पवार साहब, उन्होंने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसकी जब हमने झड़की लिया तो उसके पास हमको एक पेपर मिला। उसके बाद हमने उसके घर के अंदर सर्च किया तो घर में भी हमको उसके लगभग 1 किलो चरस मिला था। उसके साथ में हमारा यूनिट 1 का भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा था। यूनिट 1 के लोगों ने भी एक आरोपी को पकड़ा था, उसके तरफ से हमको 4 किलो चरस मिला था। टोटल हमने 2 दिन में थाना कमिश्नरेट में कम से कम 5 किलो का चरस पकड़ा है और LSD पेपर, जो चरस की मार्केट में कीमत है वो लगभग 11 से 12 लाख के आसपास कीमत है। कलवा पुलिस स्टेशन में NDPS की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान चरस लेने वाले अरलम रिजाउद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।